أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। इस्लामिक मीडिया के प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जादू खत्म करने के दो अमल। मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है, उनकी सुनी सुनाई बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, जब तक आप पर मखसूस निशानियाँ बार बार जाहिर ना हो तो उसकी बात पर आप यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानी जाहिर हो चुकी है तो आपको दो ऐसे अमल बताएंगे इंशाअल्लाह, जिससे आपको जादू करने वाले इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहाँ जादू दफन है, तावीज़ात दफन है, वो आपके सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर मुर्तीब से भी बड़ा मुजरिम है, और कहते हैं कि एक मुर्तीब का जुर्म उसकी जात तक रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की पेट में आ जाता है। आपको किसी आलिम या किसी मौलवी या किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये सब आपकी मदद तो नहीं करेंगे बल्कि आपको मजीद मुश्किल में डाल देंगे। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आप अपने घर में सूरह बकरा किस बार खत्म करके पानी पर दम कर दें और इस पानी को सब घर वाले निहार मर पी लें। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू पेशाब के आते ही खत्म हो जाएगा। अब जादू के असरात जो घर के अंदर हैं, मौजूद हैं, इनको खत्म करने के लिए घर के हर कोने में उसी पानी से छिड़काव कर दे और एक मरतबा हर कोने में अजान दे दे। इंशाअल्लाह इस अमल से जादू का मुकम्मल खात्मा एक ही दिन में हो जाएगा। और 21 मरतबा दुरूद शरीफ की तस्बीह भी पढ़े, इंशाअल्लाह आपके हर मसले, हर परेशानी, हर बीमारी खत्म हो जाएंगे। इस्लामिक मीडिया टीवी के प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जज़ाकअल्लाह।